घमंडी सौतेली माँ। एक गांव में विमला नाम की एक औरत रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं, सोनी और आरती। आरती उसकी सगी बेटी थी, सोनी सौतेली बेटी थी। विमला आरती को बड़े लाड़ प्यार से पालती थी, नए नए कपड़े खरीद कर देती थी, खाने के लिए कई किस्म के व्यंजन बनाकर देती थी। पर बेचारी सोनी को कुछ नहीं मिलता था। वो सोनी से घर का सारा काम कराती थी, घर का झाड़ू पोछा कराती थी, कपड़े धुलवाती थी, खाना बनवाती थी, खाने के लिए बासी रोटी के अलावा कुछ और नहीं देती थी। यूं कुछ समय बीत गया। तब विमला ने सोचा कि किसी तरह सोनी से पीछा छुड़ाना चाहिए। इसके लिए उसने एक उपाय सोचा और सोनी यहाँ आओ कहके बुलाया। सोनी डरी डरी सी उसके पास गई। रात को जो मैंने इस अलमारी में नेकलेस रखा था वो अब दिखाई नहीं दे रहा है, तुमने उसे क्या किया? सोनी डरी डरी सी, मैं नहीं जानती माँ, एक तो चोरी और ऊपर से झूठ बोलती हो। जब तक तुम वो नेकलेस लाकर नहीं देती तुम इस घर में नहीं रह सकती, कहकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। सोनी रोती रोती गांव के बाहर वाले जंगल में चली गई। वो क्या करे ना समझ पाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, ए लड़की यहाँ आओ। सोनी चारों ओर देखने लगी, इस जंगल में मुझे कौन बुला रहा है? उसे एक बूढ़ी जादूगरनी दिखाई दी। उसका नाम था ढाकिनी। उससे सारा गांव डरता था। लोगों का कहना था कि इसे गुस्सा आ जाए तो वो इंसानों को बंदर और कुत्तों में बदल देती है। सोनी को अचानक ये बात याद आई, उसे बहुत डर लगने लगा। फिर भी हिम्मत जुटाकर, तुम कौन हो, मुझे क्यों बुलाया? तुम मेरे साथ आकर मैं जो काम कहती हूँ 3 दिन के लिए करोगी क्या? अगर करोगी तो तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। सोनी मान गई और उसके साथ उसकी झोपड़ी में चली गई। अगले दिन सवेरे ढाकनी ने सोनी को एक बांस की टोकरी दी और इसमें पानी भर कर लाओ। सोनी उस झोपड़ी के पास वाले कुएं के पास गई और पानी निकालने लगी। उसने कई बार भरने की कोशिश किया पर बांस की टोकरी में पानी भर नहीं रहा था। डाकिनी बीच बीच में आकर सोनी क्या कर रही है वो छुपके देखने लगी। वो जानबूझकर सोनी के सामने सोने के सिक्के फेंकने लगी। सोनी ने उन सबको इकट्ठा किया और शाम को झोपड़ी में जाकर डाकिनी को सौंप दिया। 3 दिन ऐसा ही चलता रहा। 3रे दिन शाम को सोनी डाकिनी के पास गई तो डाकिनी सोनी से, मैं तुम्हारे ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, ये जानते हुए भी कि बांस की टोकरी में पानी तुम नहीं भर सकते, फिर भी ईमानदारी से हर रोज तुमने प्रयत्न करती थी। तुम जैसे जो काम दिया जाए करने वाले लोग बहुत कम लोग होते हैं। तुमने सोने का भी लालच नहीं किया। अब इसके बदले में ये सब सोना मैं तुम्हें ही देती हूँ, तुम खुशी खुशी घर लौटो। सोनी खुशी खुशी घर लौटी और विमला को वो सोने के सिक्के दिखाए। विमला सोनी से, इतना सारा सोना तुम्हें कैसे मिला? तुमने कहीं और चोरी किया है क्या? नहीं माँ, कहकर जो कुछ बीता सब बताया। अरे मूर्ख लड़की, उस जादूगरनी डाकनी के पास से सिर्फ इतने ही सिक्के लेकर आई हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने से सारा घर भर देती, कहकर डाकनी की तलाश में निकल पड़ी। डाकिनी ने विमला को देखा और जैसे सोनी से पूछा था वैसे ही इससे भी पूछा। जरूर करूंगी, इसीलिए तो आई हूँ। डाकिनी ने विमला को भी एक बांस की टोकरी दी, इसमें पानी भर कर लाओ। विमला ये देखकर, लगता है कि ये बुढ़िया सख्या गई है, कहीं बांस की टोकरी में पानी भर सकते हैं क्या? पर मुझे क्या, मुझे तो सोना चाहिए, कहकर कुएं के पास गई। कुएं में से 2 बार पानी निकाल कर डाला। इस टोकरी में जितना पानी डालो भरने नहीं वाला, कहकर उस बांस की टोकरी को सर के नीचे रखा और आराम से सो गई।
डाकिनी ने ये सब कुछ देखा। ऐसे सोनी के सामने सिक्के फेंके, विमला के सामने भी सिक्के और गहने फेंके। विमला ने चोरी छिपे उन सबको अपने पल्लू में बांध लिया। 3 दिन बीतने के बाद विमला डाकिनी के पास गई और अरे बुढ़िया ये लो, तुमने जैसे कहा मैंने किया, मुझे जो सोना देना हो दे दो, मैं चली जाती हूँ। डाकिनी को बहुत गुस्सा आया। एक तो जो काम मैंने तुमसे कहा वो काम तुमने किया नहीं, आराम से सो गई, और जो सोना और गहने मिले उसे अपने पल्लू में बांध लिया, ऊपर से अकड़ कर बोलती हो, तुम्हारी यही सजा है। कहकर विमला को बंदर में बदल दिया। बंदरिया बनकर विमला आरती के पास गई। बेटी आरती, देखो मैं विमला हूँ, तुम्हारी माँ, देखो मेरा क्या हाल हो गया। छी, तुम जैसे बंदरिया को मैं अपने पास आने दूँ तो मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, निकलो घर से बाहर। तब वहीं मौजूद सोनी, माँ ये क्या हुआ तुम्हें, मैं किसी तरह तुम्हारी रक्षा करूँगी। सोनी विमला को लेकर डाकिनी की झोपड़ी पर गई। सोनी डाकिनी से, ये मेरी माँ है, अगर इन्होंने कोई गलती की हो तो इनके बदले मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, कृपया करके इन्हें फिर से इंसान में बदल दो, यदि चाहो तो इनके बदले मुझे बंदरिया बना दो। कहकर मिन्नत करने लगी। शाबाश बेटे, बेटी हो तो तुम्हारी जैसी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ के सारे गलती को माफ करती हूँ। कहकर विमला को फिर से साधारण औरत में बदल दिया। तब विमला सोनी से, मुझे माफ कर दो बेटे, मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया, मैंने तुम्हें बहुत सताया, पर मेरी बेटी ने मुझे दुत्कारा और तुमने मुझे बचाया। तब सोनी विमला से, तुमने चाहे मुझे जितना सताया हो पर माँ हो ना मेरी, अब तुम्हारे अलावा मेरा और कौन है माँ। विमला ने सोनी को गले लगा ली। तब से सब खुशी खुशी रहने लगे। शुगर केन जूस। एक गाँव में संतोष नाम का गन्ने का जूस बेचने वाला रहता था। वो बढ़िया गन्ने लाकर जूस बनाकर बेचता था। एक दिन संतोष के ठेले के पास बिल्लू नाम का व्यक्ति आया। एक ग्लास गन्ने का जूस कितने का है? 10 रुपए का है सर। ठीक है, एक ग्लास देना। संतोष ने उसे गन्ने का जूस दिया। बिल्लू ने उसे पीकर वो ग्लास दिखाकर, बहुत बढ़िया है, एक और देना। संतोष ने उस ग्लास को गन्ने के जूस से भरा। बिल्लू ने वो भी पी लिया। मजा आ गया, एक और देना। संतोष ने फिर डाला। इस तरह बिल्लू ने 20 बार भरवाया। पीकर संतोष के हाथों में 10 रुपए रखा। ये क्या 20 ग्लास पिया है, कुल मिलाकर 200 रुपए हुए। 20 ग्लास क्या बात कर रहे हैं सर, आपने तो मुझे एक ही ग्लास दिया था। आपने उसे 20 बार भरवाया था, याद है ना? तुमने तो कहा था ग्लास 10 रुपए का है, पर तुमने ये नहीं कहा था कि उसे जितनी बार भरेंगे उतने 10 रुपए देने होंगे। संतोष ने एक डंडा उठाया। चुपचाप पैसे देते हो या हड्डी पसली एक कर दूं? सर मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैंने समझा कि एक ग्लास 10 रुपए का है। सच्ची सर, मुझे खाना खाए 2 दिन हो गए हैं सर, ये 10 रुपए भी आपके जेब से गिरे थे तो मैंने उठा लिया था, मुझे अपने पास काम पर रख लीजिए सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। संतोष ने तरस खाकर, ठीक है काम पर रखता हूँ, पर तुम बिल्कुल भोले लगते हो, मन लगा कर काम करना। बिल्लू खुश होकर मान गया। उस दिन से संतोष गन्ने का जूस बनाता था तो बिल्लू लोगों को ग्लास में परोसता था। एक दिन संतोष, अरे बिल्लू मैं 2 घंटे के लिए बाहर जाकर आता हूँ, दुकान संभाल लेना, तुम गन्ने का रस निकालना जानते हो ना? जी हाँ, मैं क्यों नहीं जानता, आप जा आइए। संतोष चला गया। इस मशीन को कैसे चलाना है, यूं सोचकर झुककर इधर उधर देखने लगा। तभी कस्टमर आया। एक ग्लास गन्ने का जूस देना। बिल्लू ने एक गन्ना निकालकर उसे दिया। गन्ने का जूस मांगा तो गन्ना क्यों दे रहे हो भाई? इसे अच्छी तरह चबाइए सर, अब मुंह में ही इसका जूस बन जाएगा और जूस भी एकदम ताजा होगा।
क्या बकवास कर रहे हो? जूस पीने आया तो इसे चबाने को कहते हो? वैसे भी मेरे दांत बहुत कमजोर हैं, मैं चबा नहीं सकता। तो ये बात है, तो ठीक है मैं चबाकर आपको जूस देता हूँ। रुकिए, कहकर गन्ने को मुंह में रखा। अरे तुम हो कौन, पागल खाने से भाग आए हो क्या, कहकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद संतोष आकर, क्यों रे, सुना है कस्टमर्स को गन्ने देकर चबाने को कह रहे हो? अगर मशीन चलाना नहीं आता था तो मुझसे पूछ सकते थे ना। अरे अकल के अंधे। थोड़े दिनों बाद संतोष 10 दिनों के लिए अपने गांव गया तो बिल्लू गन्ने के रस का ठेला संभालने लगा। इतने में उस गांव में एक रीछ आया। लोग उसे देखकर डरकर भागने लगे। ये देख बिल्लू ने उन्हें रोककर, आप लोग बिल्कुल ना डरे, मेरे पास एक प्लान है जिससे ये रीछ हमें कुछ नहीं करेगा। अच्छा, जल्दी से कुछ करो भाई, लगता है कि वो भूखा है। बिल्लू ने उस रीछ को गन्ने का जूस का ग्लास दिखाया। रीछ उस ठेले के पास आया, उसने वो ग्लास रीछ को दिया। उस रीछ ने उसे पीकर कहकर सिर हिलाकर चला गया। सबने चैन की सांस ली। अगले दिन वो रीछ फिर आया। बिल्लू ने उसे गन्ने का ग्लास दिया। इस तरह रीछ हर रोज गन्ने का जूस पीकर चला जाता था। लोगों को भी उसकी आदत पड़ गई तो उसे देखकर कोई डरता नहीं था। एक दिन एक आदमी बिल्लू के ठेले के पास आकर, एक ग्लास जूस देना। बिल्लू ने उसे एक ग्लास जूस दिया। ये क्या, इतना छोटा ग्लास? अरे मुझे एक बड़ा घड़ा चाहिए। क्या सर, आप भी? कोई भी आदमी इतना जूस नहीं पी सकता सर। अरे जानते हो तुम किसे बात कर रहे हो? मैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का विलिपिन बोस हूँ। फूड चैलेंज और कूल ड्रिंक्स चैलेंज जीतकर कई बार मैंने लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया है। उससे जीतने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो क्या आप किसी से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? कोई भी वो आ जाए। बिल्लू घड़ी देखकर, तो 5 मिनट ठहरिए सर, जंगल से एक प्रतिद्वंदी आएगा, आप उससे गन्ने का रस का मुकाबला करके जीते तो जाने। लिपिन मान गया। कुछ देर बाद, ये क्या, अभी तक नहीं आया? वो देखिए सर, आपके पीछे ही खड़ा है। लिपिन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां रीछ खड़ा था। ये देखकर लिपिन भौचक्का रह गया। बिल्लू ने लिपिन और रीच को एक एक बड़ा जार गन्ने का जूस दिया। दोनों उसे पीने लगे। बिल्लू मशीन से गन्ने का जूस निकालने लगा और उसे उनके जार में डालने लगा। वे उसे पी रहे थे। इस तरह कई जार पी गए। लिपिन का पेट बैलून की तरह फूलने लगा। रीच गन्ने का जूस पीता ही जा रहा था। लिपिन से और पिया नहीं गया तो वो थक कर नीचे गिर गया। तभी संतोष गांव लौटा। ये क्या हो रहा है, सुना है कि तुम इस रीछ को गन्ने का जूस की आदत डाल चुके हो। अरे हाँ, सवेरे मिथुन ने कहा था कि उसने एक ट्रैक्टर भरकर गन्ना भेजा है, पर यहाँ तो वो दिखाई नहीं दे रहे। तभी इतना जूस बेच दिया क्या? नहीं सर, ये अपने आप को चैंपियन कहकर डिंगे मार रहा था, तो मैंने इसका रीछ के साथ गन्ने के जूस का मुकाबला करवाया है, उससे वो सारे गन्ने खत्म हो गए। अरे मैंने सोचा कि उस रीच को एक ग्लास ही तो दे रहे हैं, चलो जाने दो, पर अब तुमने उसे मुकाबले के चक्कर में एक घड़े भर भर कर पिलाने लगे हो। अब इसकी आदत पड़कर अगर इसने हर रोज इसकी मांग की तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। तभी रीच ने डकार मार कर ग्लास दिखाकर करने लगा तो संतोष बेहोश हो गया और बिल्लू वहां से भाग गया।